योजनाओं को बहाल करें, सरकार लिंग दो को मजबूती से लागू करवाए। छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं कर देते, हम इसी तरीके से भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप जिस शिक्षा के मंदिर से एक नेता बन के आज सीएम की कुर्सी पे बैठे हो, थोड़ा सा तो आप लाज करो। चुनाव को बहाल करें, सरकार लिंग दो को मजबूती से लागू करवाए और छात्र संघ चुनाव अगर होंगे तो एक राजनीति की नई पीढ़ी को तैयार होने का, खड़ा होने का मौका मिलेगा। ये आग्रह NSOI के कार्यकर्ता सरकार से कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सदैव ही राजस्थान की छात्र शक्ति के अभिभावक के रूप में उन्होंने अपना किरदार निभाया है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव बंद करके चली गई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से चुनाव शुरू करवाए। मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार कोविड के कारण चुनाव बंद थे, हो नहीं रहे थे, उन्हें भी मुख्यमंत्री जी ने छात्र संघ चुनाव की प्रासंगिकता को समझते हुए उन्हें वापस शुरू करवाया। अब जो ये कुलपतियों ने मिलकर सरकार को गुमराह करने का काम किया है, इसके खिलाफ NSOI सरकार से अपना आग्रह कर रही है, अपनी बात रख रही है। आगे क्या रणनीति है? हम गांधीवादी तरीके से हमारी बात को मजबूती से सरकार के सामने, प्रदेश की छात्र शक्ति के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्र शक्ति का सहयोग मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं और बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करे और छात्र संघ चुनाव बहाल। देखिए, जैसे कि परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश निकाले कि इस बार राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे, उस आदेश को हटवाने के लिए आज यहाँ पर कल रात 11 बजे से हम लोग राजस्थान विश्वविद्यालय के विवेकानंद पार्क में, चाहे वो NSOI हो, चाहे वो AVP हो, चाहे वो निर्दलीय हो, सभी छात्र शक्ति मिलकर एक माननीय मुख्यमंत्री तक एक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आप खुद छात्र राजनीति से निकले हुए व्यक्ति हैं, आप हमारी कष्ट और पीड़ा को समझिए। हमने यहाँ पे अपने कीमती साल हमारे छात्र हितों के लिए हमने गवाया है। आपकी जो शिकायत है कि लिंग दो कमेटी की पालना नहीं हो रही है, हम सभी छात्र नेता आपको आश्वासित करते हैं कि हम लिंग दो कमेटी की पूरी तरीके से पालना करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक बार पुनः इस पर विचार कीजिए। आज हम गांधीवादी तरीके से यहाँ पे धरना कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि छात्र अपने दुखों के वजह से आक्रोश में आकर कुछ कदम उठाए। और जैसे कि हम कुछ छात्र हमारे कल रात से भूख हड़ताल पर हैं, मैं आज सुबह से भूख हड़ताल पर हूँ और हम सब ने यही प्रण लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं कर देते, हम इसी तरीके से भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। बिल्कुल, दोनों बैठे हैं, तीनों ही बैठे हैं, जो इंडियन अपने निर्दलीय का तैयारी कर रहे थे वो भी बैठे हैं, ABP के थे वो भी बैठे थे, NSOI के भी बैठे हैं, सभी छात्र बैठे हैं। जब तक हम लगातार अनशन पे बैठे हैं और आगे उग्र आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। बाकी छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हमारा कोई निर्णय गलत तो है नहीं, पहले भी चालू ही थे। अब अचानक बंद करने का कारण या कुछ तथ्य तो हो कि हाँ कि इस कारण हमने बंद किए हैं, वो इन चीज़ों का हमें थोड़ा मिले उस हिसाब से कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा लिंग दो कमेटी के जो नियम है उनकी पालना नहीं हो पाई है। तो मैं राजस्थान सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि चुनाव से पहले आचार संहिता लगाई जाती है, तो क्या सारे आचार संहिता के नियमों का पालन किया जाता है? ये तो हमें भी पता है और आगामी विधानसभा चुनाव में अपन देख लेंगे कि आचार संहिता के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं किया जाता। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन चुनावों को ही बंद कर दें। अगर ऐसी कोई है कि जो लिंग दो कमेटी के नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो उनमें सुधार किया जाए, ना कि चुनाव बंद कर दिया जाए। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेता छात्र प्रतिनिधि ही हैं जो गांव ढाणी किसान से आने वाले छात्र छात्राओं की आवाज़ बुलंद करते हैं। तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, इसी के लिए आज हम अनशन पे बैठे हैं और जब तक छात्र संघ चुनाव की तिथि नहीं आती हम यहां से उठेंगे नहीं। ये देखिए, जो आज की मुख्य मांग है वो जो राजस्थान सरकार ने जो दमनकारी नीति अपनाते हुए जो छात्र संघ के चुनाव बंद करने का जो आधी रात में जो फैसला लिया है उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमने प्रदर्शन कल आधी रात से शुरू कर दिया था और ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन हमारा चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मान लेती है और जो अपना तुगलकी फरमान है उसको वापस नहीं ले लेती है और छात्र संघ चुनावों का शेड्यूल जारी नहीं कर देती है, तब तक हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। आज जो प्रदेश के युवा
जो मुख्यमंत्री जी और उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा ये जो गलत पैमान जो काला कानून निकाला गया है छात्र जो वो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव होती है उसको ही बंद किया जा रहा है। तो लोकतंत्र में युवा छात्र यो नेता कैसे पहुंचेंगे, वो अपने परिवारवाद और वो बढ़ावा देंगे। तो हम सभी भाइयों के साथ छात्र नेताओं के साथ छात्र प्रतिनिधियों के साथ आज पूरे प्रदेश के युवा जगह जगह आंदोलन पे बैठे हैं, उनका समर्थन किया है हमने। और जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पे रहेंगे। जय हिंद जय भारत। मेरे अनगिनत मुकदमे हैं और इतनी बार तो इन पुलिस वालों ने लाठियां मार दी, अगर ऊपर से नीचे तक देखे जाए ना तो ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ लाठी नहीं पड़ी हो पुलिस वाले की। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप जिस शिक्षा के मंदिर से एक नेता बन के आज सीएम की कुर्सी पर बैठे हो, थोड़ा सा तो आप लाज करो। और जो ये छात्र पिछले 2 महीने से बहुत ही ज़्यादा परेशान है इसी चीज़ को लेकर, पता नहीं चुनाव होंगे नहीं होंगे, और अंत में गुमराह करके सरकार ने बहुत गलत निर्णय लिया है। और मैं सरकार को एक और बात बता दूं, इस प्रशासनिक जो अधिकारी है चाहे वीसी हो चाहे यहाँ के रजिस्ट्रार हो, इन लोगों ने सिर्फ और कुछ नहीं करा, अपनी कुर्सी बचाना और अपना स्वार्थ देखा है। स्वार्थ जैसा कि ये लोग अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो छात्र नेता नहीं होगा, नेता नहीं होगा तो इनका विरोध कौन करेगा। पिछले साल राजस्थान विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार और वीसी मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला विश्वविद्यालय में किया इन्होंने, तो ऐसी स्थिति भी आगे भी बन जाएगी और इन्होंने इतना मौका मिल जाएगा। तीसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के अंदर मतलब माइग्रेशन डिग्री और मार्कशीट की ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ का जो ये कर्मचारी बैठे हैं ये मतलब जो बाहर से जो कोई भी मतलब जिसके किसी के माता पिता या कोई बहन आ गई चाहे वो 100 किलोमीटर नहीं 500 किलोमीटर दूर से आए तो इन्होंने ये बोल देते हैं कि भैया 2 दिन बाद आना और 5 दिन बाद आना। तो ये जो छात्र नेता है ये उनको चाहे कैसे भी लड़ झगड़ के घंटे भर में उनको उनका काम करके उनको देते हैं और उस कुशल से हम अपने स्थान पर पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति और छात्र नेताओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।